नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि दोस्तों आपको फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी बेसिकली जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टावर्स प्रोवाइड कर रही है और दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टावर सेक्टर में अपने आप के एक मार्केट लीडर है दोस्तों। और दोस्तों बेसिकली कंपनी जो टेली कम्युनिकेशन के टावर हो गए या फिर पावर नेटवर्क के टावर हो गए या फिर रिन्यूएबल एनर्जी में जो चीज़ें सिस्टम डिफाइन किया जाता है उसको बनाती है। और दोस्तों बेसिकली कंपनी जो है स्मार्ट सिटी सॉल्यूशन में भी अपने टावर्स को प्रोवाइड कराती है, पोल्स बनाने हैं या हैवी स्टील स्ट्रक्चर बनाना है उसमें भी अपने इसको इन्वॉल्व करती है। दोस्तों बेसिकली कंपनी जो अपने आप में एक ब्रॉड इंडस्ट्री में वर्क करती है। दोस्तों कंपनी के जो है इंडस पावर, अमेरिकन टावर, एचएफसीएल ग्रुप, आकाशवाणी, अमेरिकन टावर जैसे अच्छे क्लाइंट्स हैं। और दोस्तों बेसिकली अगर हम कंपनी के और बिजनेस के बारे में बात करें तो बेसिकली कंपनी जो है 2006 में स्टैब्लिश हुई थी और दोस्तों 2006 से अभी तक ये अपने आप में एक मार्केट लीडर है अपने सेक्टर की। और दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चीजेस प्रोवाइड कराती है और स्टील इंडस्ट्री में वर्क करती है। दोस्तों कंपनी 50,000 से भी ज्यादा टेलीकॉम पावर सप्लाई कर चुकी है, 600 से भी ज्यादा इसके हैप्पी क्लाइंट पार्टनर है। दोस्तों 25 से ज्यादा कंट्री में इसका जो बिजनेस एक्सपोर्ट होता है। 400 प्लस किलोमीटर से भी ज्यादा रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन इन्होंने प्रोवाइड कराया है। तो आप देख सकते हो कंपनी जो है एक ब्रॉड एरिया में वर्क करती है। दोस्तों बात करते हैं कंपनी के कुछ फंडामेंटल के बारे में। कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 957 करोड़ की स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों, एक पैनी कंपनी है। दोस्तों करंट प्राइस जो है इसके स्टॉक का 30 रुपए का है और हाई प्राइस और लो प्राइस जो है 52 वीक्स का 35 रुपए हाई प्राइस और लो प्राइस 20 रुपीज का है। दोस्तों स्टॉक पी 33.1 रुपीज का है, बुक वैल्यू 11.9 रुपीज था और इसने इतनी छोटी कंपनी होने के बाद भी 0.33% का डिविडेंड प्रोवाइड कराया है। आरओसी देखें तो 12.9% है, आरओई 11.5% है, फेस वैल्यू इसकी 1 रुपीज की है और दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग इसमें 69.7% की है। दोस्तों अगर कंपनी के पिछले साल के ग्राफ देखो तो आप देख सकते हो कि 12 जून 2020 में इसका जो शेयर का प्राइस है सिर्फ 5 रुपये था और अभी ये आपको 30 रुपये पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। दोस्तों कंपनी जो है ग्रोइंग सेक्टर में काम कर रही है। कंपनी के अगर प्रोज के बारे में देखें तो कंपनी ने जो है अपनी सेल्स को ग्रोथ किया और दोस्तों अगर कॉन्स के बारे में बात करें तो कंपनी जो है कंपनी का जो स्टॉक है वो 2.52 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू से ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। कंपनी की जो लो रिटर्न ऑन इक्विटी है और दोस्तों कंपनी ने जो है डिविडेंड थोड़ा सा कम प्रोवाइड करा है। जैसे कि मैंने आपको बताया स्मॉल कैप कंपनी दोस्तों अभी ग्रोइंग सेक्टर में काम कर रही है, अपने आपको ग्रो कर रही है, तो डिविडेंड इसने इतनी छोटी कंपनी होते डिविडेंड प्रोवाइड कराया ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग जो है थोड़ी सी डिक्रीज हुई है पिछले कुछ सालों में। तो चलिए दोस्तों बेसिकली कंपनी के अगर सेल्स की बात करें तो कंपनी ने मार्च 2012 में आप देखोगे 108 करोड़ की सेल्स जनरेट करी थी और मार्च 2015 में 330 करोड़ की सेल्स करी और आप धीरे धीरे देखोगे 2020 में कोविड के टाइम पे 526 करोड़ की सेल्स जनरेट करी है और दोस्तों मार्च 2021 में 597 करोड़ की सेल्स जनरेट करी और मार्च 2022 में लास्ट 719 करोड़ की सेल्स जनरेट करी है। दोस्तों कंपनी का कंपाउंडिंग ग्रोथ देखोगे तो आप सेल्स में इसने 10 सालों में 21% की ग्रोथ करी है, 5 सालों में 13% ग्रोथ करी और लास्ट 3 ईयर में 3% की ग्रो करी है। और दोस्तों कंपाउंड अगर हम प्रॉफिट की बात करें प्रॉफिट ग्रोथ में तो 10 सालों में इसने 123% की ग्रो करी है। और दोस्तों अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो पिछले 10 सालों में 15% की इसने ग्रोथ करी है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो बेसिकली कंपनी का मार्च 2020 में 74.94% की प्रमोटर होल्डिंग थी और दोस्तों जून 2020 में 74.94% की होल्डिंग रही है और ये मेंटेन रही है होल्डिंग, बट अभी लास्ट टाइम में जून 2022 में इसकी 69.70 की पर होल्डिंग रही है। दोस्तों FIS की होल्डिंग देखोगे तो 0.93% और DIS की होल्डिंग अभी नहीं है इसमें। पब्लिक की होल्डिंग भी इसमें इंक्रीज हुई है 24 से 29.38% की हुई है, बीच में इसकी 30% भी प्रमोटर होल्डिंग रही है। और दोस्तों जिस स्टॉक के बारे में हम बात करें वो बेसिकली सालासार टेक्नो इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि अपने सेक्टर की एक लीडर कंपनी है। दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेगमेंट में वर्क करती है और दोस्तों एनर्जी प्रोड्यूस नेटवर्क हो गया या फिर रेलवे प्रोड्यूस नेटवर्क हो गया या फिर जो अपने टेलीकॉम्स के जो टावर होते हैं उसमें बिजनेस प्रोवाइड कराती है, अपना अपने बिजनेस में वर्क करती है। दोस्तों ग्रोइंग सेक्टर में काम कर रही है। आपका इस कंपनी के बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और दोस्तों सारे पॉइंट ऑफ व्यू को ऑब्जर्व करके ही आप इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर आप इसके 100 शेयरों को भी अपने पोर्टफोलियो में रखते हो तो दोस्तों फ्यूचर में आपको अच्छे रिटर्न बना के दे सकती है। दोस्तों इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।